हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सत श्री अकाल जी सारे, किवें हो तुसी सारे। तो अज मैं सवेर तो ही ब्लॉग नहीं किया, तो हुण टाइम होया 12 बज चुके ने, तो मैं सारा काम करके एकदम फ्री हो चुकी हाँ। नहा धो के बैठ गई हाँ, तो मैं सोचा हुण थोड़ा जा ब्लॉग कर लाँ। वैसे ही नहीं किया मैं अज शुरू ब्लॉग, क्योंकि फिर सेम उही सारी रूटीन सी, तो मैं क्या कुछ नवं ऐड करांगे, तो इस करके मैं हुण 12 बजे बज चुके ने, तो हुण जिहड़ा वा ओह ब्लॉग स्टार्ट किया। नवाब स्कूल गया होया आ, तो जिवें तुसी सारे जानते हो, मैं पहला भी दस्या कि 12:30 मैं स्कूल तो लैके आवांगी। मैं सोचा एक छोटा जिहा रिव्यू शेयर करदा तुहाडे सारिआं दे नाल। स्क्रब, एक स्क्रब आ जिहड़ा मैं पिछले थोड़े कु दिनां तों यूज़ करना स्टार्ट किया आ, क्योंकि मेरी स्किन ते बहुत सारे ब्लैक हैड्स, वाइट हैड्स ते डार्क स्पॉट्स जिहड़े आ ओह होए ने, ते मैं सोचा कि उहनां नूं रिड्यूज़ करां। इस वास्ते मैनूं जिहड़ा वा इक स्क्रब जिहड़ा मिलिआ, ते उहदे वी रिव्यू पहलां वी देखे होए सी, तो 2-3 बार मैं जिहड़ा आ यूज़ किया, मैनूं वधिया इफेक्टिव रिजल्ट जिहड़ा उहदा लग रहा आ, तो मैं सोचा तुहाडे नाल भी शेयर करदा, तां कि इफ यू हैव द सेम प्रॉब्लम तो तुसीं भी जिहड़ा वा उहनूं क्योर कर सकदे हो। यह हैगा स्क्रब जिहदे बारे में मैं गल कर रही थी, हैगा BLCC दा नैचुरल साइंसिस गोल्ड स्क्रब विद गोल्ड लीफ। ये जिहड़ा स्किन नूं एक्सफोलीएट करता आ, ते नाल रेडियंट कॉम्पलैक्शन दिंदा आ, ज्वैल रेडियंस आए, जिवें इहदे विच तुसीं देख भी पा रहे हो, सच्ची इहदे विच गोल्ड पैटल्स हैगे ने, ते ग्लिटरी फॉर्म दे विच हैगा आ। ते इहदी इह वाली बैकसाइड आ, जिहदे उपर इहदा MRP, एक्सपायरी डेट, ते सब कुछ जिहड़ा दित्ता होया आ, नाल इहदे इनग्रीडियंट्स, डिरैक्शन, सब कुछ शो किया होया, जिवें कि सारे फेस वॉशिज़ ते हुंदा आ। तो उस तो बाद उपर QR कोड भी आ, जिसनों स्कैन करके तुसीं इहदे बारे विच होर इनफॉर्मेशन लै सकते हो। तो मैं इनू लाइव यूज़ करके तुहानू जिहड़ा इत्थे दिखा रही हाँ, कोई भी वीडियो मतलब मैं कोई फिल्टर नहीं लाया या फिर इदा कोई एडिटिंग दे विच कुछ नहीं किया हैगा, तो इनू मैं तुहाडे सामने यूज़ करके तुहानू दिखावांगी। फेस नू जिहड़ा थोड़ा गिला कर लिया मैं, तो इस तो बाद हाथ उपर ही ये वाला फेस वॉश लैके पूरे फेस से जिहड़ा अप्लाई कर लिया। इहदी तुसीं भी चैक कर लो, इहदी थिकनैस जिहड़ा वा, इहदा टैक्सचर चैक कर लो, बिल्कुल रनी फॉर्म में नहीं है, एकदम थिक जैल फॉर्म में आए, तो येलो कलर का आ, विद जिहड़े आ गोल्ड क्रिस्टल्स ने, ते गोल्ड पैटल्स भी ने। तो ये जिहड़े मेन इंग्रीडियंट्स पेदे उपर दसे गए आ कि इहदे विच जिहड़ा गोल्ड एक्सट्रैक्ट आ, ते ग्लिसरीन आ जिहड़ा डेड स्किन सैल्स नूं जिहड़ा वा रिपेयर करता आ, एक्सफोलीएट करता आ, ते इस तों इलावा वाइट हैड, ब्लैक हैड जिहड़ा रिमूव करता आ, ब्लड सर्कुलेशन भी सही करता आ फेस का, ते नाल ही जिहड़ा स्किन नूं फ्रैश ग्लोइंग करता है विद रेडियंट कॉम्पलैक्शन। तुहानूं मैं यूज़ करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं जिवें तुहानूं दस्सिया मेरे फेस से इस तरह अंडर आई एरिया, अपर चीक्स एरिया के उपर बहुत सारे वाइट हैड, ब्लैक हैड्स आ, इस करके मैं ज़्यादा जिहड़ा वा इसी चीज़ से ज़्यादा स्क्रबिंग करती हूँ। उस तो बाद आपां फेस नूं जिहड़ा वॉश कर लाँगे 5-7 मिनट वास्ते, स्क्रब करन तो बाद तुहाडे सामने मैं वॉश भी करके दिखावांगी, हल्का हल्का जेंटली जिहड़ा वा आपां फेस ते मसाज करदे होए इहनूं आपां जिहड़ा वॉश भी कर लाँगे। उस तो बाद तुसीं देखियो स्किन जिहड़ा वा ओह इंस्टेंट ग्लो दिंदा आ इस स्किन नूं, ते अजे मैं इहनूं 2-3 वारी यूज़ किया आ, मेरी प्रॉब्लम किन्नी कि सॉल्व होई आ, इहदी अपडेट मैं आने वाले वीडियो ब्लॉग विच दे दांगी, पर की कहिंदे हुंदे आ बैटर बिफोर होई आ, मतलब थोड़ा जिहा फर्क तां लगदा ही आ मैनूं पहलां नालों, ते इंस्टेंट ग्लो दिंदा, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया मेरा फेस एकदम फ्रैश ते जिहड़ा ग्लोइंग लग रहा आ, तुसीं देख पा रहे हो। मैं हुणे यूज़ करके आई हाँ, स्किन होण तो पहला मैं जिहड़ा स्क्रबिंग कीती सी अपने फेस के उपर, ते तुहानूं मैं दिखाया भी है सारा, ते हुण जिहड़ा मैं नहा के आई हाँ, ते तुसीं देख ही पा रहे होगे कि माई स्किन इज़ लुकिंग सो फ्रैश ग्लोइंग, ते ये जिहड़ा मेरा बिल्कुल की कहिंदे हुंदे आ न्यूट्रल वाला जेन्युइन जिहड़ा वा रिव्यू आ, ते तां ही करके मैं तुहाडे नाल जिहड़ा वा ओह लाइव सारा कुछ शेयर किया आ। ते जे तुसीं परचेज करना चाहुंदे हो ये वाला स्क्रब, तो जिहड़ा परचेज लिंक आ जिहड़ा तुहानूं डिस्क्रिप्शन च मिल जूगा, उत्थों चैक कर लिओ। वैसे लोकल मार्केट तों एक ड्रग स्टोर जिहड़ा प्रोडक्ट आ कितों भी मिल जाणा आ, कितों भी तुसीं जिहड़ा ओह लै सकदे हो। मैं कोई इहदी की कहिंदे हुंदे आ ऐड नहीं कर रही, कोई जिहड़ा वा बस एक जिहड़ा रिव्यू शेयर किया आ, बाकी तुहाडी अपनी मर्जी। मैं बनाई अज राजमाह की सब्जी, तो दिने असी खा लिया सी पास्ता जिवें मैं तुहानूं दिखाया सी, ते दिने मैं नवाब नूं बड़ा किया सौला सौला, पर सुत्ता नहीं, ते हुण सौ गया।
हूँ टाइम होया 7:30 तो अजे भी सुता आ। हूँ इन्हें 8 बजे तक 6:30 बजे का सुता, 8:15 तक इन्हें उठ जाना आ, तो फिर बाद लेट सोना आ, लेट सोना आ, तो सवेरे जो स्कूल जाना हों फिर उठता ही नहीं आ। फिर मैं इन्हें कि बार आवाज़ लाइनी आ, कई बहाने लाइनी आ, फिर उठता है, फिर करी जाऊगा मम्मा मैंने सौ लैन दो बस थोड़ा जहा होर नहीं नहीं आई आ, फिर इदा पखंड करी जाता है। फिर मैं इन्ने बहाने लाइनी हाँ फिर उठता है। तो हूँ मैं इतने कार्टून वेख रहा सी, तो जो मैं तो रसोई काम कर रही थी, तो जो मैं आके बाहर वेख्या तो सोफे पर ही सुता, फिर मैं चुप के इनू अंदर पा के आई हूँ बैड पर, तो उदों का ही सुता है। मैं बस हूँ फ्री सी, उठता है नवाब, वैसे बजे 7:30 ही होए आ, 8:30 बजे अं रोटी खाने होंने, नवाब उठूगा तो फिर मैं फुलके बनाऊंगी, फिर असी खावे। आटा गुन के रख लिया है मैं, बस अज मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया क्योंकि घर ही आप किन्ने दिन हो गए तो उ घर, तो फिर उही रूटीन चलती है जो डेली दी होंगी है। फिर मैं क्या की विखाना हों, उदन के बहर नहीं गए कितने भी, नवाब के पापा भी नहीं सी घर है, तो मैं भी जो मार्केट जाव समान वगैरह लैन, तो फिर मैं फोन ना लैके नहीं जाती, घर छड़ जाती हूँ। तो बस मतलब फोन लैके भी जाँ तो मैं वीडियो नहीं बनाती, मैनू थोड़ा जहा हैजीटेशन जी फील होंगी है, तो मतलब समान भी मैं ही लैना, तो फिर वीडियो भी मैं ही किमें बना सकती हाँ, ये थोड़ा जहा टफ हो जाता है, ता भी मैं नहीं बाहर बनाती वीडियो, तो जो असी सारे हो फिर बना लैनी हूँ, फिर हो जाता है ना, एक जना वीडियो बनाई जाए दूजा अपना काम करी जाए इदा। बस मैं बैठी हूँ टीवी वेख रही थी, तो व्लॉग मैं शाम ही अपना एडिट करके अपलोड करता सी, तो उदा थंबनेल नहीं लाया, वो हुण मैं बनावांगी, अपलोड कर दांगी, व्लॉग अपलोड करता आ, तो जिहड़ा आ हुण मैं व्लॉग बना रही हाँ ये भी मैं कल नूं एडिट करांगी, मतलब जिहड़ा व्लॉग मैं अपलोड करना हुंदा आ वह मैं पहला उस दिन एडिट करती हूँ, तो उस दिन अपलोड कर दिनी हाँ, मतलब सारा काम उदा उदा नहीं करती क्योंकि अजे आ जोड़ा हूँ कंटिन्यू चलता पाया व्लॉग, ये कंक्लूड करा तो फिर ही मतलब होगा यदा सारा काम। बस होर कोई गलबात इदा नहीं है नहीं आ, जो भी सी रीज़न सके दसन वाले तू दस सी मैं, बाकी सब भी लाइफ इदा ही चलती है कि डेली रूटीन बनी आ, उ सारे चली जाते इस रूटीन पर बस। अज का व्लॉग मैं इतने एंड करती हाँ, मैंने पता है इन आप व्लॉग भी नहीं कह सकते, एक छोटी जी वीडियो ही समझ लियो, तो पर लाइक जरूर कर दो भावें छोटा ही आ। अज कुछ है नहीं सी खास व्लॉगिंग करने करके मैं नहीं बनाई वीडियो, तो ही अज छोटा जहा व्लॉग आ, बस मेरे चैनल में सबसक्राइब कर लो, दूजे नाल शेयर भी कर दौ, तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑल। लाइक शेयर सबसक्राइब टू माई चैनल, ऑलसो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, तो जो पुराने ब्लॉग देखना चाहते हो तो ये लिंक उपर फ्लैश हो रहे हैं, जिहड़ियां वीडियो तुसी सज्जे बन्ने ते खब्बे बन्ने देख रहे हो, तो जे देखना चाहते हो तो इन्हां ते क्लिक कर सकते हो, तो इन्हां नूं भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच।